के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर और सरायकेला में कई स्थानों से निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, साक्ची और बिष्टुपुर समेत कई इलाकों का किया भ्रमण, ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा में शामिल हुए हजारों भक्त, रथ यात्रा देखने भारी संख्या में उमड़ी भीड़। सर्किट हाउस एरिया में स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का करोड़ों का दो बंगला सील, बंगलों में मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम का था आवास, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट पर ठेकेदार का है लाखों का बिल बकाया, बिल पेमेंट के लिए कोर्ट के आदेश से की गई कार्रवाई। कोल्हान की लाइफलाइन स्वर्णरेखा खुद है प्यासी, कई जगहों पर पूरी तरह सूख कर रेत में तब्दील हो गई है स्वर्णरेखा, सैकड़ों एकड़ की खेती पर सुखाड़ का खतरा मंडराया, हताश व निराश किसान नदी में कुआं खोद कर खेतों की कर रहे सिंचाई। आइए बात करते हैं जमशेदपुर व सरायकेला में अलग अलग स्थानों से निकाली गई रथ यात्रा की। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमशेदपुर व सरायकेला के विभिन्न स्थानों से ढोल नगाड़े व गाजे बाजे के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिनमें मुख्य रूप से बिष्टुपुर राम मंदिर और उत्कल एसोसिएशन से निकाली गई रथ यात्रा प्रमुख रही। इसके अलावा बिष्टुपुर नागा मंदिर, श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट खास महल, बर्मा माइंस शिव मंदिर एवं मानगो से भी अलग अलग रथ यात्रा निकाली गई, साथ ही सरायकेला से भी भव्य रथ यात्रा निकाली गई है। भगवान के सामने सभी बराबर होते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे। बिष्टुपुर राम मंदिर से इस्कॉन द्वारा धूमधाम से ढोल नगाड़े व गाजे बाजे के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर के विभिन्न धार्मिक संगठनों एवं भक्तों की कीर्तन मंडली हरे कृष्ण हरे राम के महामंत्र की धुन पर अपने प्रभु जगन्नाथ, मां सुभद्रा एवं बलभद्र के रथ यात्रा में शामिल हुए। हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। रथ यात्रा बिष्टुपुर आंध्र भक्त श्री राम मंदिर से आरंभ होकर गोपाल मैदान, जिसको गोल चक्कर, स्टेट माइल रोड, किनन स्टेडियम, साक्षी बड़ा गोल चक्कर, काली माटी रोड होते हुए शहीद चौक, JNAC गोल चक्कर पर जाकर समाप्त हुआ। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद विद्युत वरण महतो भी रथ यात्रा में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान जगह जगह पर 750 विभिन्न संस्थाओं द्वारा भक्तों के लिए सेवा शिविर लगाया गया था। जमशेदपुर के अलग अलग स्थानों से भी रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बिष्टुपुर नाग मंदिर, साक्षी उत्कल एसोसिएशन, श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट खास महल, बर्मा माइंस शिव मंदिर एवं मानगो से भी रथ यात्रा निकाली गई। मनाया जा रहा, पूरी का एक दृश्य अलग है, लेकिन जमशेदपुर भी कहीं पीछे नहीं। भक्ति के प्रति चाहे किसी भी पर्व हो, हम लोग स्वादपूर्ण वातावरण में यह मनाते हैं। आज जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा भी थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएंगे और हम लोग इनसे ही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा शहरवासी हो, झारखंडवासी और देशवासी हो, सुख शांति समृद्धि उन्नति उनका आशीष मिलता रहे और जब इनका राज चले हर परिवार का इसी तरह खुशी का समय चलता रहे, कटते रहे। और इनसे ही प्रार्थना कि एक दिन आगे जाकर भारत विश्वगुरु बने, यही इसका मेरा सबसे बड़ा प्रार्थना। आश्रम से भव्य रथ यात्रा निकाली गई। तीन अलग अलग रथों पर विराजमान जगन्नाथ महाप्रभु, बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी मठिया आश्रम से निकले। आश्रम से मेन रोड होते हुए चौक बाजार से सीधे स्टेशन स्थित मौसी बाड़ी तक रथ पहुंची। रथ यात्रा से पहले मठिया आश्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जगन्नाथ महाप्रभु की पूजा अर्चना की गई। वहीं महाप्रसाद का वितरण किया गया। हजारों श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजक सह जूना अखाड़ा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत विद्यानंद सरस्वती ने कहा कि वर्षों से चांडल मठिया आश्रम से रथ यात्रा निकालने की परंपरा है।
यहां बड़े आकार तथा भव्य रथ निर्माण करवाने की तैयारी है, लेकिन मेन रोड पर अव्यवस्थित ढंग से बिजली के तार होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि बिजली के तार सुव्यवस्थित ढंग से लगाए जाएंगे तो बड़े आकार के रथ का निर्माण करवाया जाएगा। महाप्रभु का प्रातः हम लोग मंत्रा उच्चारण द्वारा उनका आरती पूजा किए, इसके बाद अटका प्रसाद जो है, क्योंकि आज दाल चावल सब्जी बनता है, क्योंकि महाप्रभु का मुख्य भोग जो है ना चावल होता है। तो बोलते हैं ना कि जगन्नाथ जी का भात और जगत पता रहे हाथ, आज वही दिन है कि सबको जो है ना प्रसाद कराया गया, और आज अपने मौसी बारी के लिए जो है ये प्रस्थान है। 28 तारीख के दिन फिर मौसी बारी से पुनः अपने आ करके गद्दी पर ब्रज मान लिया। मैं तो सैकड़ों साल हो गया है, ये तो परंपरा हमारे जो है यहाँ से, यहाँ का परंपरा सैकड़ों साल है। पहले एक रथ चलता था, उसके बाद अभी तीन रथ जो है ना, तीन रथ चल रहा है, आगे भविष्य में फिर दूसरा जो है ना, क्योंकि इस तरह के यहाँ पर तार के लेकर के जो है, नहीं तो हम यहाँ पर बड़ा रथ बनाने का हो रहा था, तो काफ़ी यहाँ परेशानी हो तार के चलते, नहीं तो हम भव्य रथ बना करके जो है ना, ऐसे प्रोग्राम है कि अच्छा से अच्छा रथ बना के यहाँ चलाएंगे। जब प्रशासन के, इसके पहले भी हम लोग मांग किए थे, मगर प्रशासन तो कान में अपना रुई लगा करके सोया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हम लोग तो NH क्या है, NH 32 है, इसको अगर हम लोग जाम कर देते हैं तो जनता की परेशानी है, तो हम तो जनता को भी देखना है, क्योंकि भीषण गर्मी चल रहा है, कहाँ से कहाँ जनता, इसी रोड से ही मात्र रोड है, नहीं तो हम लोग रथ को जो है ना, हम लोग रोड पर ही खड़ा कर देते हैं, ऐसे हम लोग पारे नहीं करते हैं। मगर जनता को देखते हुए हमको जो है ना ये कदम उठाना पड़ा कि भाई चलो अब किसी तरह से सीमा पार करना है। आइए बात करते हैं स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के सर्किट हाउस एरिया स्थित दो बंगलों को कोर्ट के आदेश से सील किए जाने की। जमशेदपुर कोर्ट के आदेश से स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के सर्किट हाउस एरिया स्थित दो बंगलों को मंगलवार को दंडाधिकारी के समक्ष सील कर दिया गया। दरअसल स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के ठेकेदार का भारी भरकम बिल विभाग पर बकाया था, अरसे से बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा था। उसके बाद ठेकेदार अनूप कुमार राय ने बिल के भुगतान के लिए कोर्ट में मुकदमा किया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश से विभाग का दोनों बंगला सील कर दिया गया है। बताते चले कि जमशेदपुर रॉयल इंजीनियरिंग के मालिक अनूप कुमार राय ने 2003-2004 में स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के कैनल का काम किया था। इसके एवज में स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट विभाग ने कंपनी को पेमेंट का भुगतान नहीं किया था, जिसके बाद रॉयल इंजीनियरिंग के मालिक ने झारखंड उच्च न्यायालय में मामला दर्ज करवाया था। लगभग 15 साल मामला चलने के बाद मंगलवार को जमशेदपुर सिविल जज सीनियर डिविजन ने स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के दो आवास नंबर 1 और नंबर 2 को सील करने का आदेश दिया। इसके बाद न्यायालय की टीम ने दोनों आवास को सील किया। वहीं रॉयल इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक अनूप कुमार राय ने कहा कि विभाग में काम करने के बाद पैसा नहीं दिया जा रहा और पैसा देने के एवज में मोटी रकम की मांग की जा रही थी, जिससे तंग आकर हम लोगों ने न्यायालय में मामला दर्ज करवाया। जमशेदपुर के सर्किट हाउस एरिया स्थित मकान को सील किया गया है। कोर्ट के आदेश पर जमशेदपुर कोर्ट के नाजिर और दंडाधिकारी की मौजूदगी में इन संपत्तियों को जब्त किया गया है। ये सर्किट हाउस एरिया में सी बंगलो नंबर 192 ये स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का अलॉट किया गया है, गवर्नमेंट का है। इसमें अनूप कुमार राय केस किया हाई कोर्ट में, वहाँ आर्बिट्रेटर बहाल हुआ, आर्बिट्रेटर डिसाइड किया कि स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट को 6 लाख रुपया देना है। काम किए थे, ठेकेदारी किए थे, वहाँ ठेकेदारी में इनका पैसा इतना निकलता है। आर्बिट्रेटर इतना अवार्ड किया, वो स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो पैसा पे नहीं किए, तो अनूप कुमार राय एक्सक्यूशन केस किए, जारी केस किए। उस जारी में आदेश हुआ है कि बंगलो नंबर 1 और 2 जो स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का विभाग का ये दोनों बंगलो है, इसको सील कर दो। वो तो मैं पता नहीं कौन रहते थे, इसलिए एडविज ये सही है कि स्वर्णरेखा का पदाधिकारी ही इसमें रह सकते हैं, वहीं रहते हैं। हो सकता है वीरेंद्र राम तो स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट में थे, इसलिए रहते होंगे वह।
वही आदमी रहेगा जो स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का अधिकारी है। न्यायालय के आदेश पर इसको सील हो जाएगा, सील होकर चाबी कोर्ट में जमा हो जाएगा, फिर इसको नीलाम करने की प्रक्रिया आएगी, नीलाम किया जाएगा, ऑक्शन होगा। यदि झारखंड सरकार स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट पैसा नहीं जमा करता है तो कोर्ट अपना प्रोसेस से इसको ऑक्शन करेगा, ऑक्शन में यदि कोई खरीदना चाहे। आइए बात करते हैं कोल्हान की लाइफलाइन स्वर्णरेखा कैसे हो रही रेत में तब्दील। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ व कुकरू प्रखंड क्षेत्र की लाइफलाइन माने जाने वाली स्वर्णरेखा नदी इस भीषण गर्मी में पूरी तरह से सूख गई है। रेत की सफेद चादर से ढके स्वर्णरेखा नदी का मानो अस्तित्व ही मिट गया है। एक विशाल रेगिस्तान का मंजर देखने को मिल रहा है। सैकड़ों एकड़ की खेती पर सुखाड़ का खतरा मंडरा रहा है। किसान हताश और निराश हैं। समय रहते अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो किसानों के सामने भुखमरी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। जानकारी हो कि स्वर्णरेखा नदी पर नीचे चांडल डैम में विशाल जल का भंडारण है। ऊपर कांची नदी का भी पानी आता है, मगर कुकड़ू व ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी एक एक बूंद पानी को तरस रही है। आपको बता दें कि ईचागढ़ और कुकड़ू क्षेत्र में 90% लोग कृषि पर आश्रित हैं। नदी किनारे बसे गाँव के किसान रबी की खेती कर अन्न उपजाते हैं। स्वर्णरेखा नदी के जल पर खेतों की सिंचाई निर्भर होती है, लेकिन आज इस नदी के सूख जाने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं। स्वर्णरेखा नदी में अभी कुएं की तरह गड्ढा खोद कर पटवन करना पड़ रहा है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए पंप सेट लगाकर गड्ढों से पानी निकालकर फसलों की सिंचाई करते हैं, लेकिन वो भी मामूली जल से। अब किसानों की बारिश पर निर्भरता बढ़ी है, लेकिन अभी तक बारिश का कोई असर नहीं दिख रहा है। डैम के पानी को लिफ्ट के माध्यम से सरकार खेतों तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन सरकार द्वारा इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कड़ी धूप और जल के अभाव से खेतों में फसलें मर रही हैं। पानी के गिरते स्तर से फसलों के बर्बाद होने का खतरा किसानों को सता रहा है। कुकड़ू के सापारू, तिरुलडी, सपादा तथा ईचागढ़ के बामनजी, तारगोडी, खीरी, रायडी आदि नदी किनारे करीब 100 एकड़ जमीन पर किसान खेती करते हैं, मगर इस वर्ष भीषण गर्मी में किसानों को पटवन के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। बता दें कि स्वर्णरेखा नदी बहुउद्देश्य परियोजना के तहत चैनल डैम का गाद साफ करने और मेंटेनेंस के लिए प्रति वर्ष करोड़ों रुपए सरकार द्वारा दिया जाता है। ये जो सुवर्णरेखा जो नदी है, ये लाइफ लाइन इसलिए माना जाता है कि हम लगभग मेरा उम्र 50 साल से अधिक हो रहा है, परंतु आज से हम 50 साल तक हम इस नदी के बारे में जो स्थिति है इस साल का, ये ऐसा स्थिति कभी नहीं हुई थी, क्योंकि ये सब दिन पानी रहता ही है। आज इस साल किसी कारणवश नदी में पानी नहीं है, इस साल इतना किसान का दिक्कत हो रहा है, या तो सब नदी से जो आदमी जो पानी का मतलब लेकर के जो नहाना हो या तो कुछ भी अन्य काम के लिए भी हो, तो इस साल नदी में एकदम बिल्कुल पानी नहीं है। और इस साल जो यहाँ जो इस नदी में जो नदी से जो किसान जो खेती करते हैं, यहाँ लाखों से अधिक मतलब लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु इस साल ऐसा हुई कि जब गर्मी और जब नदी का पानी जो इतना मतलब जो ताल्लुक है, जो इसमें इतना सारी समस्या हो चुकी है, जो कि अगर किसी तरह से नदी से अगर किसी तरह थोड़ा बहुत पानी निकाल के ही करता है, तो गर्मी का वजह से पानी भी किसान का खेती भी नष्ट हो जा रहा है। गर्मी का वजह से किसान का खेती सही नहीं रहा है। ये लाखों नहीं, ये करोड़ों का नुकसान किसान लोगों का हो रहा है। इसमें किसान लोग इतना सारा जो भरोसा लेकर के काम करते हैं, किसान खेती करते हैं, जो कोई बैंक से लोन लेकर के अपना जो खेती करके हम कुछ कमाएंगे, कमाने के बाद बैंक को लोन हम जो लेते हैं वो हम उसको सूद को लेकर के उसका मूल तक हम देने का जो कोशिश करते हैं, परंतु इस साल ऐसा हुआ जो कि वो लोग उसमें भी नाकाम रहे हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, जो अगर किसान लोगों का कुछ ऐसा सुविधा हो, जो ऐसे तो नदी में पानी नहीं है, अगर सरकार अगर चाहेगी जो किसान लोगों को पानी जगह जगह पर पहुँचाने का कोशिश करने पर, अगर नदी से अगर खोद के अगर लिफ्ट इरीगेशन वगैरह अगर कुछ व्यवस्था किया जाए, तो उसमें किसान लोगों का कुछ मतलब उसमें
भरोसा होगा, कुछ मतलब होगा कुछ खेती करने के लिए पानी का सुविधा हो जाएगी। और जो ऐसे जो किसान लोग जो खेती करते हैं, जो ऋण उन लेके बैंक से, वो लोग के लिए इस साल का जो जैसे खेती हुआ है उस हिसाब से बहुत सारा दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। बैंक हमको नहीं लग रहा जो बैंक को लोन जो ले रहे हैं खेती करके दे लोगों को रिटर्न। आइए बात करते हैं एनआईटी जमशेदपुर में चिर प्रतीक्षित पूर्ववर्ती छात्र केंद्र के उद्घाटन समारोह की। एनआईटी जमशेदपुर परिसर में पूर्ववर्ती छात्र केंद्र की मंगलवार को मुख्य प्रशासनिक भवन में शुरुआत हुई। बहुप्रतीक्षित पूर्ववर्ती छात्र केंद्र का उद्घाटन 1967 बैच के संस्थान के विशिष्ट पूर्ववर्ती छात्र सर आरएसबी समूह के अध्यक्ष आरके बेहरा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य पूर्ववर्ती छात्र वर्चुअल माध्यम से देश व विदेशों से जुड़े और समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मौके पर टाटा स्टील के ऑफिसर संजीव पॉल भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में एल्यूमिनी छात्र आर के बेहरा ने कहा कि मैं आभारी हूँ सभी एल्यूमिनी छात्रों का, जिसके प्रयास से आज 63 साल पुराने संस्थान में एल्यूमिनी सेंटर की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं एल्यूमिनी छात्र संगठन के पदाधिकारी जितेंद्र कुमार और चित्रंजन साहा जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे लाइफ मेंबर बनाया। आज संस्थान का देश में 130वां स्थान है। इस रैंक को सुधारने में एल्यूमिनी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इसमें भरपूर सहयोग करूंगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या अन्य एक्टिविटी की बात हो। यहाँ रिसर्च पर काम करने की जरूरत है, पीएचडी में और बेहतर करना होगा। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी के लिए इंडस्ट्रियल सपोर्ट की आवश्यकता है। इसके लिए हम सबको माइंडसेट चेंज करनी होगी। यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होना चाहिए, इसमें मेरी सहमति है। निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने अपने संबोधन में कहा कि एल्यूमिनी संस्थान के विकास में महती भूमिका निभाते हैं, वे हमारे एम्बेसडर हैं। आज कई एल्यूमिनी देश और विदेशों में अच्छे ओहदे पर हैं, बड़े उद्यमी हैं, देश विदेश में बड़े संस्थानों को संचालित कर रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर के लिए हम लोग खर्चा करेंगे, जो भी टोटल एक्सपेंसेस होगा उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें जब जब जैसे ऐसे होते रहते वो भी कंट्रीब्यूट 50% बाकी जहाँ से भी रिसोर्सेज हो सकता है इंडस्ट्रीज से जहाँ भी स्टार्टअप है उनको प्रमोट करने के लिए इंटरनेट करेंगे उसमें। और हम अगर इस स्टार्टअप को यहाँ से डेवलप कर सकें ये वेरी गुड थिंग। जैसे हिमाचल के आई आई टी महाराष्ट्र नंबर वन है, इसमें 300 से प्लस इंक्यूबेशन होता है। आइए बात करते हैं एक ऐसे योग टीचर की जो कर रहा योग से बीमारी का इलाज। जमशेदपुर शहर में एक ऐसा योग टीचर जिसके पास मरीज बिना दवा के स्वस्थ हो रहे हैं। इस योग टीचर के पास कुछ डॉक्टर, आर्मी जवान, सरकारी अधिकारी समेत अन्य लोग बीमारी लेकर आते हैं और स्वस्थ होकर जाते हैं। आपने कई बड़े बड़े डॉक्टरों के बारे में तो सुना होगा कि वे असाध्य बीमारियां ठीक कर देते हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा स्रोत बन रहे जमशेदपुर के अंशुल सरकार लोगों की योग से बीमारियों को खत्म कर उन्हें स्वस्थ कर रहे हैं। जमशेदपुर के कदमा नील सरोवर पार्क में अंशु सरकार करीब 30 सालों से योग करा रहे हैं। राष्ट्रपति समेत कई अवार्ड भी अंशु सरकार को मिल चुका है। आज अंशु सरकार कहते हैं कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्व योग दिवस के रूप में तब्दील कर दिया है, उसी तरह वे योग को आधार बनाकर असाध्य रोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। बताते चले कि अंशु सरकार से सिर्फ शहर के लोग ही नहीं, देश विदेश से भी लोग योगा सीखने उनके पास आते हैं। वे निःशुल्क सेवा देकर उन्हें स्वस्थ करते हैं। भले ही लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होकर अपने राज्य समेत अन्य राज्यों में जाकर डॉक्टर को दिखाते हो, मगर जब मरीज अपनी लाइलाज बीमारी से थक कर निराश हो जाता है तो वैसे मरीजों को स्वस्थ कर उनके चेहरे पर हंसी लाने का काम योगा टीचर अंशु सरकार कर रहे हैं। डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, आर्मी जवान, कॉरपोरेट के लोग समेत छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग जो अपनी बीमारी से तंग आ गए थे, वे बिना दवा के योग कर यहाँ स्वस्थ हो गए। न केवल युवा को, बच्चों को, युवाओं में, मिडिल एज में, ओल्ड एज में, कोई भी ऐसा वर्ग छूटा नहीं
जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोकस नहीं किए, सबको आगे बढ़ने के लिए अपना प्रयत्न दे रहे, उसमें सबसे बड़ा योगदान महान देश भारतवर्ष आज कितना आगे बढ़ गया, उसमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुआ योग में प्रचार करके, क्योंकि आज विश्वमय योग मना रहा, सारा दुनिया योगमय है, एक पूरा श्रेय जाता हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। देखिए आज तक मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा बीमारी छूटा है, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, बैड कोलेस्ट्रॉल हो, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बैकएक का प्रॉब्लम हो, माइग्रेन, साइनस, कोई भी ऐसा डिप्रेशन मैं दोबारा बार दोहरा रहा हूँ, डिप्रेशन कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो इतना वर्षों में मैंने ठीक नहीं किया। और हर वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं और बिना दवा के लाभान्वित होकर जाते हैं। आप बोलिए कॉरपोरेट, आईएएस, आईपीएस, हर वर्ग, बिजनेसमैन, कोई ऐसा वर्ग, मेडिकल, इवन डॉक्टर्स भी, कई ऐसे जाने माने जमशेदपुर के डॉक्टर्स यहाँ पर आके क्लास करके लाभान्वित होते अपने आप को। मैं टाटा स्टील में काम करता हूँ एज वाइस प्रेसिडेंट शेयर सर्विसेज। मैं लगभग आई थिंक 2018 से चालू किया है। मेरा जो साथी है उनसे मालूम किया कि शंकु सरकार जी का यहाँ पर योगा होता रहता है, तो उसी इन्फॉर्मेशन मिला है, फिर हम इनके पास आए, इनसे मिले, इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमको भी क्या, हम और मेरे मिसेज दोनों हम लाए, तब से हम लोग लगातार करते आ रहा है, कंटिन्यूटी मेंटेन किए है। यस, कोविड टाइम में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हुआ, बट वो ऑनलाइन तुरंत चालू होने के बाद भी हम लोग उस तरह करने लगे हैं। फिजिकल जो है स्ट्रेंथ बोलिए या फिजिकल, एक तो सेल्फ रेजिलियंस, एक तो अपने में जो कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता है, प्लस आप कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में यू फील दैट गिव्स यू इंटरनल स्ट्रेंथ टू क्रॉस ओवर एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। और हम जो मेंटल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, इसका जो बैलेंस है, आई थिंक योगा ब्रिंग्स दैट। परेशानी मेरा मेन घुटना दर्द के लिए परेशानी था, काफ़ी जगह में गए हैं, डॉक्टर लोग को दिखाए, अल्टीमेटली चारों तरफ में हार के हम यहाँ आए हैं, और जब से हम यहाँ कर रहे हैं विद इन वेरी फ्यू डेज हम अभी ठीक है, अभी आराम से चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, एज वेल एज पैर मुड़ के बैठ नहीं सकते थे, आज हम पैर मुड़ के बैठ भी सकते हैं। कोलकाता में डॉक्टर को दिखाया, जमशेदपुर में दिखाया, तो सब जगह में हमको अल्टीमेटली फाइनल ले दिया, नी रिप्लेसमेंट करना है। तो सर के पास जब आए, सर बोला मेरा यहाँ कीजिए, करने के बाद देखिए आपका ये हो रहा कि नहीं, बोला हम तो अभी गारंटी कुछ नहीं देंगे, लेकिन कुछ दिन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। रियली आज हमको पता चल गया, जिससे काफ़ी लाभ हुआ मेरा, और अभी हम आराम से चल सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। आइए बात करते हैं आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर व डायलॉग राइटर के पुतला फूके जाने की। भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा द्वारा बारीडीह मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में बारीडीह में फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर व डायलॉग राइटर का पुतला फूका गया। साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि पीएम मॉल में चल रही फिल्म के प्रदर्शन को बंद कराया जाएगा। मोर्चा नेताओं का कहना है कि हिंदू धर्म व आस्था के प्रतीक राम का विकृत चरित्र चित्रण किया गया है। नेताओं ने फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। आदि पुरुष को बैन करो, बैन करो, बैन करो। ओम रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओम रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदुओं की भावना से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संस्कृति को भड़काना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताते चले कि देश भर में आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। बारीडीह में सोमवार को भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा बारीडीह मंडल अध्यक्ष दीपू ओझा के नेतृत्व में डायरेक्टर ओम रावत और फिल्म का डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंशीर का पुतला फूका गया। दीपू ओझा ने बताया कि मोर्चा के कार्यकर्ता और वे स्वयं भी मंगलवार को पीएम मॉल जाएंगे और वहां चल रहे फिल्म के प्रदर्शन को बंद कराएंगे। साथ ही जमशेदपुर न्यायालय के फिल्म के डायरेक्टर और इसके डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंशीर के खिलाफ केस भी दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया है। फिल्म के डायलॉग में निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आज हम लोग आदि पुरुष पिक्चर के जो डायरेक्टर है ओम रावत और इनका जो राइटिंग राइटर है मनोज जी, उनका हम लोग पुतला दहन किया है। कारण यही है कि आप लोगों ने भी पिक्चर देखा होगा और सब देख रहे हैं। इस पिक्चर में जिस प्रकार से हिंदू
भावनाओं को, हिंदू संस्कृति के भावनाओं को ठेस पहुंचा है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन किए। ये किसी के बैनर तले नहीं किए, ऐसे हम बारीडी युवा मंडल अध्यक्ष है जड़ियो राजी की पार्टी से, लेकिन हम खुद हिंदू है और इस पिक्चर को देख के मेरे मन को ठेस पहुंची है, जिस चलते मैंने आज पुतला दहन किया है और इसको लेकर हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। मैं कल जा रहा हूँ जमशेदपुर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में केस करूंगा, उसके बाद हम लोग पीएम मॉल में जाके बंद भी करेंगे कि ये पिक्चर जमशेदपुर में तो नहीं चलना चाहिए। और मैं मांग करता हूँ कि पूरे झारखंड में ये पिक्चर और पूरे देश में पिक्चर बैन हो। ये जो मैं आपको क्या बताऊँ, हिंदू एक ऐसा है ना, जो हिंदू को आदमी सोचता है ना कि हिंदू को थोड़ा सा भड़का दो हिंदू आग लगा देगा पूरे शहर में पूरे देश में, इसलिए हम लोग बार बार हम ही लोग को टारगेट किया जाता है, हिंदू को बार बार टारगेट किया जाता है। एक मतलब कैसे मैं आपको बताऊँ, मुंबई का एक टपोरी लैंग्वेज, मैं तू साला और चिल्लाड़ बच्चा, इस टाइप की भाषा का प्रयोग इस पिक्चर में किया गया है, जो हम लोग के मतलब बहुत शर्मिंदगी की बात है, जिसको लेके आज हम लोग पुतला दहन भी किए और आगे की लड़ाई भी है। मंडल युवा विंग के द्वारा आदि पुरुष जो पिक्चर रिलीज होने वाली है उसके विरोध में, रिलीज हो चुकी है उसके विरोध में हम लोग उसको बैन करने के मांग पर पुतला दहन किया गया है। उसके जो राइटर हैं ओम राउत और लेखक का पुतला दहन किया गया है। ये हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करने का जो कोशिश किया जाता है, कोई भी आदमी अपने को पॉपुलर कराने के लिए सबसे आसान तरीका आज बना लिया है कि हिंदू के ऊपर हिंदू के भावना को भड़काने का कोशिश करिए और पूरे देश में पूरे इंडिया में पॉपुलर हो जाइए, सबसे आसान तरीका हो गया है। क्यों नहीं मुस्लिमों के ये पर की पैगम्बर पर और किसी पर इस तरह का फिल्म बनाया जाता है, पूरे देश का जो फिल्म जगत है किसी में हिम्मत है कि किसी पैगंबर पर या किसी मुस्लिम के किरदार पर पिक्चर बना दे। केवल इस तरह का पिक्चर बार बार हिंदुओं की भावना को भड़काने के लिए किया जाता है और अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई। अब जमशेदपुर में तो हम लोग इसको चलने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो, इसलिए हम लोग इस पिक्चर का आज विरोध करने के लिए उनका पूरा दहन किया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।